श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको पता ही है आजकल श्राद्ध पक्ष चला हुआ है। सभी माताएं और बहनें इस बात पर ध्यान दें कि श्राद्ध पक्ष में दरवाजे के दोनों तरफ चुटकी भर आटे से करें एक महा उपाय। इस उपाय को करने से आपके सभी मांगलिक कार्य, सरकारी नौकरी, व्यापार में उन्नति, रोजगार के नए अवसर और यहाँ तक कि धन संपदा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। इससे पहले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, आपका हमारी भक्ति और भाग्य चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अब आप हमारे परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से सुनिए कि हमें श्राद्ध पक्ष के दौरान दरवाजे के दोनों तरफ चुटकी भर आटे से क्या उपाय करने चाहिए। एक जैसे आप लोगों के स्मरण में होगा कि श्राद्ध पक्ष के अंदर चुटकी भर आटा दरवाजे की दोनों चौखट पर डाला जाता है। किसी किसी के यहाँ दरवाजे पर आटे से रंगोली बनाई जाती है, कहीं देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी है। स्मरण में होगा किसी के दरवाजे पर आटा डाला जाता है, वो देव पितर के भाव से डाला जाता है। जिस बेटे बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से एक फाइल कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे ये जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, जितने दिन निकल गए निकल गए, जितने दिन बचे हैं उन दिन में आपके दरवाजे के बाहर एक चुटकी घर से आटा लाकर चौखट के इस ओर, चौखट के उस ओर दोनों जगह चुटकी भर आटे को डालना प्रारंभ करो। 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण हो, जब अमावस्या आए, किसी जलाशय, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं, उसके पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा से प्रार्थना कर आना। केवल 22 से 24 दिन निकलते हैं और घर में कोई शुभ कार्य की सूचना आना प्रारंभ हो जाती है, वो देव पितर का, वो कार्य देव पितर का। वो देव पितर किस तरह से करेगा, बेटे की शादी, बेटी की शादी, हम कहें किसी के 42 साल भी अगर उम्र हो गई है, 40 साल, 42 साल, 35 साल, 38 साल शादी नहीं हो रही, तो कर देखना, एक बार बाबा से प्रार्थना कर देखना। देव पितर का कार्य क्या है, घर में शुभ कार्य को करवाना, घर में अच्छी चीजें लाना, गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को शरीर पूरा देना, ये देव पितर का कार्य। पितृदेव और देव पितर में बहुत अंतर है, मां बहुत अंतर। एक चुटकी आटा, अब तो थोड़ा सा रंगोली का काम ज्यादा हो गया, नहीं तो हमने पहले भी कथाओं में कहा है कि तीन जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, जिसका फल हजार गुना होता है। तीन जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, हमने पहले भी कहा। पहला, पितरों की पूजन हो रही हो, पितरों का पाटा भरा रहा हो, पितरों के लिए जोत लग रही हो, पितरों के लिए या अन्य स्थान पर कहीं पूजन हो, तो वहां पर आटे की रंगोली काम आती है। वहां पर रंग बिरंगी या पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली काम आती है। दूसरे नंबर पर, तुम्हारे घर में यज्ञ हो रहा हो, घर के बाहर यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ चल रहा हो, उस यज्ञ में तीन परिधियां बनती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। देखिए आप लोगों ने, यज्ञ कुंड जो बनाया जाता है, उस यज्ञ कुंड पर पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली डलना चाहिए। ये पहले डलती थी, अब लोगों ने फैशन में दूसरी डालना प्रारंभ कर दी। आटे की रंगोली डली होती है जब हम साकल्य छोड़ते हैं, अग्नि को जब हम साकल्य देते हैं, तो जिस आटे की रंगोली उस पर बनी होती है, तो हमारी जो साकल्य छोड़ी जाती है उसमें से एक अंश भाग हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, जिससे पितरों की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तीसरा, आटे की रंगोली तीसरी, घर में
शादी हो रही हो, मंडप बना हो, उस मंडप के नीचे जब पूजन हो रही हो उस समय पर पत्थर की या मिट्टी की रंगोली नहीं। अगर पंडित पूजन करा रहे हैं या मंडप की पूजन हो रही है जिसके नीचे लड़का लड़की की भांवर होगी, दूल्हा बैठेगा, दुल्हन बैठेगी, वहां मिट्टी की रंगोली या पत्थर की रंगोली नहीं, उस जगह पर आटे की हल्दी की रंगोली डाली जाती। अब आपके यहाँ डालते कि नहीं डालते पता नहीं, पर हमारे यहाँ शास्त्र रीति कहती है ये तीन जगह की जो रंगोलियां हैं ये हमको आटे की रंगोली डालने से, क्यों शादी के मंडप में पत्थर की रंगोली या मिट्टी की रंगोली क्यों नहीं डाली जाती? शादी के मंडप में यहाँ दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, वहां पंडित जी भी आटे की रंगोली डाल देते हैं, घर की बहन बेटियां आटे की रंगोली डाल देती है, उसका कारण क्या होता है? जिसकी शादी में मंडप के नीचे आटे की रंगोली डलती है वहां पितरों को निमंत्रण नहीं देने की जरूरत पड़ती, वहां पितर उस वर कन्या को आशीर्वाद देते हैं जिससे उनका वंश बढ़ता है, वंश रुकता नहीं। और ये निश्चित है जिसकी शादी में जिसके विवाह में आटे की रंगोली डलकर भांवर हुई होगी उसके घर में संतान सुख रुक नहीं सकता, उसके यहाँ संतान का सुख होता ही है। जिसके यहाँ आजकल ये पत्थर रंगोली डाल देते हैं, डाल दिया और कह दिया बस, क्योंकि आजकल फैशन में तो दुनिया जी रही, तो आटे की रंगोली कौन डाले, तो वो फैशन में चल गया, तो संतान की प्राप्ति में भी थोड़ा सा। अब तुम देखो पहले का समय आज का समय कितना अंतर है महाराज। पहले के समय में संतान का सुख शादी के एक दो साल में प्राप्त हो जाता था, आज के समय में संतान का सुख जब तक डॉक्टर के यहाँ दोनों जांच नहीं करा कर जाए, दिखा कर नहीं आ जाए, सब लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब जरा देखो संतान, डॉक्टर साहब बोले जांच करना पड़ेगी, बहू की भी जांच हुई, बेटे की भी जांच हुई, सब अच्छा है, उसके बाद भी संतान का सुख नहीं, उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं। शिव तत्व को जानिए, शिव महापुराण की कथा कहती है तीन जगह आटे की रंगोली की मूलता है। बोलेंगे आप लोग पहला स्थान दरवाजे की चौखट, दूसरा स्थान बोलते जाओ जल्दी यज्ञ कुंड, तीसरा स्थान शादी का मंडप जहां पर भले चुटकी भर आटे की रंगोली बने पर वो जरूरी है। तीन स्थान आटे की रंगोली के मूल, ये उसी तरह है जैसे तुम्हारे दरवाजे पर तुम मोती की बंदरवाल लगा लो, चमकदार बंदरवाल लगा लो, हाथ से बनी हुई बंदरवाल लगा लो, पर जब तक तुम आम के पत्ते की बंदरवाल नहीं लगाते तब तक घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। आम के पत्ते की बंदरवाल, कहा गुरुजी आम के पत्ते की क्यों, तो शास्त्र कहता है शिव महापुराण में उमाखंड कह रहा है कामदेव आम के पल्लव में छुपकर बाण मार रहे थे। कहां छुपे थे? आम के पल्लव में, आम के पत्तों में छुपकर कामदेव बाण चला रहे। भगवान शंकर का जब तीसरा नेत्र खुला कामदेव आम के वृक्ष पर भस्म हो गए, आम का वृक्ष जलने लगा, आम के पत्तों में अग्नि प्रकट होने लगी, तब वरुण देव आए और वरुण देव ने आकर हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा बाबा। भोलेनाथ जी बोले क्या बात है वरुण? वरुण जी कहते हैं इस आम के वृक्ष ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये क्यों जल रहा? आप कृपा करिए, दया करिए। शंकर भगवान ने वर प्रदान कर दिया, तूने मेरी दृष्टि का तेज ग्रहण करा है, मैं तुझे वर देता हूं जिसके दरवाजे पर आम के पल्लव की बंदरवाल बंधती है उसके घर में मेरी दृष्टि सदा पड़ी रहती है, वहां रोग व्याधि दुख नहीं आता। अब तो आम के पत्ते गायब हो गए और आम के पत्ते की जगह प्लास्टिक के आम के पत्ते बनकर आ गए,
और लोगों ने उसी प्लास्टिक के आम के पत्ते की बंदरवाल बांध दी। महाराज आम के पल्लव पर शंकर की दृष्टि पड़ी क्योंकि कामदेव चलकर भस्म हुआ था उसी आम के पल्लव पर बैठ, आम के पल्लव पर बैठ। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है। जब सुप्रिया ने अपने पुत्र से कहा, वृषकेतु से कहा कि शिव भक्ति से भगवान शंकर को एक लोटा जल जब हम पितृ पक्ष में भी समर्पित करते हैं, पूर्वजों को वो जल प्राप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन खत्म हो गए होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।